चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशंस में आर्टिकल नंबर 2.10.2 डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। डिड्यूसिंग रिलेशंस यानी बेसिकली फॉर्मूला अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, यानी डिराइविंग न्यू फॉर्मूले, बड़े बड़े फॉर्मूले बनाने के लिए आपको डायमेंशंस के लिहाज से आप बहुत सारा काम ऑलरेडी कर लेते हैं। आपको जिस चैप्टर जो फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है उस चैप्टर की थियोरी के बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, केवल ये पता होना चाहिए कि पॉसिबली वह फिजिकल क्वांटिटी किन और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ऐसे क्लाइन लीजिए, फर्स्ट वी मस्ट नो दैट द गिवन अननोन, दैट द अननोन क्वांटिटी प्रोबेबली डिपेंड्स ऑन विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज। हमें यह अंदाजा होना चाहिए कि पॉसिबली जिसकी आप बात कर रहे हैं वो किस फिजिकल क्वांटिटी पे और डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और आगे लिख दीजिए फुल स्टॉप करके, अगली लाइन में लिख दीजिए, By this method, only those formulae can be derived in which the dependency is of product type. Only those results can be derived in which the dependency is of product type. जिनमें जो dependency है वो product पर depend करती है, product type जिसमें dependency है, केवल वही results derive किए जा सकते हैं। इसमें हम सीधे एग्जाम्पल 2.17 की बात करेंगे तभी ये सब बातें समझ में आएंगी जो हमने अभी कहा है। क्वेश्चन लिख दीजिए कि सपोज टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ 2.17 कि सपोज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ, मास एंड जी। मान लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है मास पे, लेंथ पे और जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग बोलेंगे कि लेट टी, टी इज प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर एक्स, लेंथ टू द पावर वाई एंड जी टू द पावर जेड। ये मान लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि टी इज इक्वल टू के एम टू द पावर एक्स, लेंथ टू द पावर वाई एंड जी टू द पावर जेड। So our aim is to find the values of x, y, and z. K is a dimensionless constant. Time period इन चीजों पे किस तरह डिपेंड करता है वो हम डायमेंशन के मेथड से डिटरमिन कर सकते हैं। x, y, z को डायमेंशंस के मेथड से डिटरमिन किया जा सकता है। K is a dimensionless constant. K is a dimensionless constant. And K, अगर दीजिए x, y, z can be determined. X, y, z can be determined by the method of dimensions. X, y, z can be determined by dimensional analysis. X, y, z can be determined by dimensional analysis. But K cannot be determined by dimensional analysis. K dimensional analysis से determine नहीं किया जा सकता। The constant K can be determined experimentally only.
कांस्टेंट के को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं हम लोग। तो के निकालने के लिए हमें उस चैप्टर में जाना पड़ेगा जिस चैप्टर का ये सवाल है। तो सिवाय कांस्टेंट्स के हम पूरा फॉर्मूला किसी भी चैप्टर का यानी डायमेंशंस में बैठ के ही डिराइव कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला अगर सब प्रोडक्ट टाइप हो, ये भी इनटू है और ये भी इनटू है, प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंसी है, तो डायमेंशंस के चैप्टर में बैठ के ही हम ऑलमोस्ट 90% फॉर्मूला तो डिराइव कर लेंगे। बस ये के एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करना पड़ेगा। तो अभी इस चैप्टर में जब न्यूमेरिकल हमारे पास आता है तो ज्यादातर या तो आपको वो सवाल दिया जाता है जिसमें के वन होता है या के को वो आपसे मानते ही नहीं। आप भी अपने फाइनल आंसर में सिर्फ के लिख सकते हैं स्कूल एग्जाम में यहाँ पर, और नीट में जेई में तो के बारे में कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा। अब करना आपको ये चाहिए कि आप एलएचएस पे और आरएचएस पे जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबको फैला लीजिए, सबके डायमेंशंस लिख लीजिए। देखिए स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, राइट द डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स, राइट द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन एलएचएस एंड आरएचएस। एलएचएस पे जितने भी टर्म्स हैं और आरएचएस पे जितने भी टर्म्स हैं उनके डायमेंशंस लिख लीजिए, और इसी में लिख लीजिए द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट के इज डायमेंशनलेस एंड सो दिस विल बी ड्रॉप। अगर डायमेंशंस की बारी आएगी तो के तो डायमेंशनलेस है और हम के को ड्रॉप कर देंगे, के डायमेंशनलेस है और हम के को ड्रॉप कर देंगे। अब हमने क्या लिखा है अभी कि LHS पे भी और RHS पे भी सभी क्वांटिटीज के डायमेंशंस हम लिख लें। अब इसके बाद क्या करो आप कि इनको जब फैला लोगे ना, उसके बाद अगर यहाँ M यहाँ भी आ रहा है और मान लीजिए M यहाँ भी आ रहा है तो M के सारे टर्म्स आप इकट्ठे करोगे। LHS में तो यूजुअली आपके पास एक ही टर्म होगा, RHS में आपके पास हो सकता है M दो बार आ रहा हो या L दो बार आ रहा हो या T दो बार आ रहा हो। तो नंबर टू स्टेप में लिख दीजिए ऑन RHS, ऑन RHS कलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑफ M टुगेदर, ऑल द टर्म्स ऑफ M टुगेदर कॉमा L टुगेदर एंड T टुगेदर। सारे M के टर्म्स एक साथ ले आए, सारे L के टर्म्स एक साथ ले आए और सारे T के सम टर्म्स एक साथ ले आए, एंड ईच ऑफ दीज क्वांटिटीज शुड बी रेज्ड टू अ सिंगल पावर। अगर M दो जगह आ रहा है तो आप M को कलेक्ट कर लीजिए, M को कलेक्ट कर लीजिए और दोनों M कलेक्ट करके उनका एक पावर बना दीजिए। इसी तरह L पे एक पावर ले आइए और इसी तरह T पे एक पावर ले आइए। फिर नंबर थ्री में लिखिए, सुनिए जरा पहले फिर लिखेंगे। अगर ये इक्वलिटी साइन बीच में लगा है तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है तो डायमेंशनली भी सेम होगी। इसके डायमेंशनली सेम होने के लिए जो m का पावर यहाँ है और जो m का पावर यहाँ है वो सेम होना चाहिए, जो l का पावर यहाँ है और जो l का पावर है वहाँ सेम होना चाहिए, और जो t का पावर यहाँ है और t का जो ये पावर यहाँ है वो सेम होना चाहिए। तभी तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, इनके डायमेंशन सेम है। अगर आप अगर इन्हें इक्वेट कर रहे हो तो इनके डायमेंशन सेम है, और डायमेंशन सेम है मतलब अलग से m का पावर भी सेम है, अलग से l का पावर भी सेम है और अलग से t का पावर भी सेम है। बस ऐसे ही लिख दीजिए अगले स्टेप में, इक्वेट द पावर्स ऑफ m कॉमा l या m ऑन बोथ साइड, इक्वेट द पावर्स ऑफ m ऑन बोथ साइड्स कॉमा l ऑन बोथ साइड्स, LHS पे और RHS पे दोनों तरफ M के पावर्स इक्वेट करिए, दोनों तरफ L के पावर्स इक्वेट करिए, दोनों तरफ T के पावर्स इक्वेट करिए। दोनों तरफ M के पावर इक्वेट करिए, दोनों तरफ L के पावर इक्वेट करिए, दोनों तरफ T के पावर इक्वेट करिए, एंड फॉर्म थ्री साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, एंड फॉर्म थ्री इक्वेशंस बस, and form three equations।
जब आप m का पावर इक्वेट करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, l का पावर इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, d का पावर इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी। इन सबको आप इक्वेट कर दीजिए और तीन इक्वेशन बना लीजिए और अगले स्टेप में लिख दीजिए, अगले स्टेप में लिख दीजिए सॉल्व दीज थ्री साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व दीज थ्री साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व थ्री साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस टू कैलकुलेट एंड ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये थ्री साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस डिटरमिन को सॉल्व करें, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें और एक्स वाई और जेड की वैल्यूज कैलकुलेट करें। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर वन बोल सकते हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन बोल दें और अगले स्टेप में लिख दें पुट दीज वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन वन। ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपने कैलकुलेट की है इनको इक्वेशन वन में डाल दीजिए, बस बस अब जॉब इज डन। इतना ही हम कर सकते हैं, एक के बच जाएगा बाकी आपका फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया है। आपने सिर्फ डायमेंशन के चैप्टर में बैठ के सिंपल पेंडुलम का एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया बिना उस चैप्टर के बारे में कुछ भी जाने। दिस इज द पावर ऑफ डायमेंशन। देखिए अब करते हैं इसको, हो गया एम जीरो एल जीरो टी वन, के डायमेंशन नहीं होते हैं इसको ड्रॉ कर देते हैं, हो गया एम एक्स एल वाई और जी होता है एक्सेलरेशन एल वन डी माइनस टू टू दी पावर जेड। टू और जेड में कंफ्यूजन ना हो इसलिए टू और टू को ऐसा लिखते हैं और जेड टू को ऐसा नहीं लिखते हैं, जेड ऐसा लिखते हैं क्योंकि जल्दबाजी में कभी भी जेड ऐसा बन सकता है, तो ऐसा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका पेट कटा हुआ होना चाहिए। ओके सो एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल टू एम एक्स एल वाई एल जेड और टी माइनस टू जेड। इसमें मैंने पावर ओपन कर दिया, मुझे पता है एक्स टू दी पावर एम टू दी पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एम इंटू एन, सो वन इंटू जेड और फिर माइनस टू इंटू जेड। अब एम का टर्म तो यहाँ एक ही तरफ आ रहा है पर एल का टर्म दो बार आ रहा है, तो एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल टू एम एक्स एल का पावर हो जाएगा वाई प्लस जेड और t का पावर हो जाएगा माइनस टू जेड। ये फाइनल इक्वेशन है, हमने इधर भी एम एल टी का एक एक पावर बचा और इधर भी एम एल टी का एक एक पावर बचा, ऐसी इक्वेशन हमारे पास बन जानी चाहिए फाइनली। हम पास अगर m के यहाँ दो टर्म्स आते तो हम दोनों को एक साथ क्लब कर लेते, l के दो टर्म्स आते तो दोनों को एक साथ क्लब कर लेते तो जो आए भी हैं, और t के अगर दो तीन टर्म्स आते तो तीनों टर्म्स को एक साथ क्लब कर लेते और एक पावर बना लेते। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 आ गई, y plus z की 0 आ गई और माइनस 2z की वैल्यू 1 आ गई। z की वैल्यू सर प्लस 1 होगी ना, आगे लिखो। नाउ इक्वेट द पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, इक्वेट द पावर ऑफ m ऑन बोथ साइड्स। m का पावर दोनों तरफ इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू सीधे सीधे 0 आ गई। ये m का m के ऊपर जो एक्सप्रेशन थी वो छोटी एक्सप्रेशन थी, इसलिए पहले मैंने इसको इक्वेट कर दिया। जो आसान आसान अब आपके पास तीन इक्वेशन बनानी है और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना जरा मुश्किल होता है अक्सर, खैर ज्यादा लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। अब मैं y प्लस z को जीरो से इक्वेट करने के बजाय ये लेता हूँ, सेकेंड इक्वेशन में ये बनाता हूँ माइनस टू जेड, t का पावर यहाँ माइनस टू जेड है और t का पावर यहाँ वन है, इससे z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू। यस सर, z की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू। अब इसके बाद में l का पावर इक्वेट कर सकता, जो पावर में जिनके पावर में थोड़े बड़े पहले उनके पावर इक्वेट किए जाए, जिनके पावर छोटे हैं ऐसा आप लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेट द पावर्स ऑफ दोस क्वांटिटीज ऑन RHS, फर्स्ट फॉर्म द इक्वेशंस, first form the equations of those quantities on RHS which are raised to a single power.
इसका एक ही पावर है, एक बार में इस वैल्यू पता लग जाएगी। इसका भी एक ही पावर है, एक बार में इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। अब इसके बाद हम y प्लस जेड को इक्वेट करते हैं। अब n का पावर इक्वेट करते हैं तो y प्लस जेड हो जाएगा जीरो। मैं उसमें से z को ऑलरेडी जानते ही हूँ, मुझे x मिल चुका है, मुझे z मिल चुका है। अब y प्लस जेड जीरो है और इसमें से y की वैल्यू हो जाएगी माइनस जेड, तो इसमें y की वैल्यू हो जाएगी प्लस वन बाय टू। अब मुझे y की वैल्यू भी मिल गई, x मिल गया, z मिल गया और y मिल गया। जिनकी आसान, जिनके पावर सिंपल इक्वेशन बना रहे थे मैंने पहले, उनको इक्वेट किया। अब मैंने इक्वेशन वन में पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो x की वैल्यू है जीरो और y की वैल्यू है वन बाय टू, y की वैल्यू है वन बाय टू और z की वैल्यू है माइनस वन बाय टू। ऐसे आपको इन फॉर्मूला को डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े लेंथी हैं। लिख दीजिए दीज क्वेश्चन आर लेंथी एंड देयरफॉर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन लेंथी हैं और इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। टफ तो ये नहीं है, ये आपको शुरू में टफ लगेंगे पर ये टफ नहीं है। पर हाँ, इनमें काफी पेशेंस भी चाहिए और एक्सपोनेंट्स को हैंडल करने की काफी नॉलेज भी चाहिए। आपको जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी तो चाहिए, पर ये नीट में तो कम से कम ये क्वेश्चन नहीं आएंगे फिलहाल। अभी पास्ट में आए हुए ऐसे बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन पास्ट में आए तो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ, पर अभी फिलहाल मुझे दो तीन साल आने की उम्मीद इनकी कम लग रही है। तो एक डिसीजन तो हमने ये ले लिया, लिख दीजिए कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एम टू द पावर जीरो यानी वन, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अभी कितनी बड़ी बात हो गई, हमको सिर्फ अंदाजा ही था कि टाइम पीरियड शायद मास पे डिपेंड करता होगा, पर अगर नहीं कर रहा तो अपने आप ही वो डायमेंशंस के मेथड से ही गायब हो गया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सच अ पावरफुल टूल कि टाइम पीरियड वही मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और ये आगे लिख दीजिए, एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ के इज फाउंड टू बी, एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ के इज फाउंड टू बी 2 पाई। लिखकर आपको बतानी कभी नहीं पड़ेगी, m to the power 0 is 1, now root l, l to the power 1 by 2 मतलब root l upon g to the power 1 by 2, so it's 2 pi root l upon root g, so this 2 pi under root l by g। time period का simple pendulum के time period का actual ये formula है, ये जरूर हमें समझना होगा। l to the power 1 by 2 का मतलब square root of l, और minus अगर ये है तो इसे नीचे ले जाओ, नीचे जाने के बाद इसका साइन चेंज हो गया, और g टू द पावर 1 बाय 2 मतलब रूट g। ये सब हैंडलिंग में भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स आती है। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, इनिशियली थोड़ा सा टफ लगता है, पर अगर आप सीख लें तो अच्छा रहेगा, लॉन्ग रन में फायदा मिलेगा। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, कम से कम नीट में तो ये अभी नहीं आएंगे। 23 में आप नीट देंगे, 23 में नीट में तो ये सवाल नहीं आएगा, ऐसा मेरा 99% बिलीफ है। देयर आर नो गारंटीज दो, बट जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं पहले वो सारी चीजें मास्टर हो जाए, जिनके थोड़े कम चांसेस हैं करना तो उन्हें भी चाहिए, पर उनके लिए थोड़ा टाइम फ्रेम ज्यादा दे दे कि भाई ये थोड़ा बाद में भी हुआ तो चलेगा, इनके लिए पैनिक ना करें। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको इसका दे रहा हूं, नीट का ही है, एक क्वेश्चन लिख दीजिए, ये 2014 में आया है। लिखिए, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, क्वेश्चन लिख दीजिए, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर, और मैं इसके ऑप्शंस लिख भी लेता हूं। उसने कहा फोर्स वेलोसिटी और टाइम ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं,
और अब हमें टाइम मास के डायमेंशंस निकालने हैं। m is equal to what? इसके ऑप्शन कितने पड़ेंगे? असली मजा तो ऑप्शन के साथ करने में ही है। अब आप देखेंगे कि पूरी इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए पड़ रही है। f1 b minus 1 t minus 1 और फोर्थ है f1 b minus 1 t। ये फोर्स वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल का दर्जा दिया गया है और हमें मास निकालना। मैं इसे प्योरली डायमेंशंस के मेथड से ही करना चाहता हूं। प्योरली डायमेंशंस के मेथड से ही हम इसे करना चाहते हैं। हालांकि एक शॉर्टकट मेथड जो हो सकता है तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और मास तो अननोन है तो अननोन को तो रिटेन करिएगा। आपको वेलोसिटी का टर्म लाना है तो एक्सेलरेशन की जगह v / t लिखा जा सकता है। तो m यहां से हो जाएगा f into t upon v। तो f1 t1 v minus 1 f1 t1 v minus 1 ये आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो मेथड ठीक है, अगर ये एक शॉर्टकट मेथड है जो कि बाय चांस मेरा मतलब एग्जाम में पेपर आना क्वेश्चन आना था तो हल्का क्वेश्चन बना के ही देना था उनको, जिसकी ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी थी। पर मैं इसे मेथड ऑफ डायमेंशंस में से जो अभी अभी पढ़ा था उसी से करना चाहता हूँ। मैं फिलहाल इस मेथड को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता क्योंकि मैं वो सीखना चाहता हूँ जो मेथड अभी भी हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो हम सॉल्यूशन में बोलते हैं कि लेट m प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर x v टू द पावर y एंड t टू द पावर z और उस प्रोपोर्शनैलिटी को फिर हम हटा भी सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस में कहीं कुछ दिख रही है। इसी ऑर्डर में लिख लीजिए, अच्छी ये ऑप्शन में देखिए सारे ऑर्डर इसी सारे ऑप्शन सेम ऑर्डर में है एफ पी टी में। ऐसा तो नहीं कि ये एफ पी टी में है और अगला कोई एफ टी वी के ऑर्डर में दे दिया है। सारे सेम ऑर्डर में होने चाहिए, पहले एफ फिर सब में डी फिर सब में टी, तो फिर हमारी रिस्क कम हो जाएगी। ऑलराइट मैं इसे सीधे एक्सपेंड कर देता हूँ। एम टू द पावर वन प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वालिटी लिख देता हूँ। फोर्स होता है m1 l1 t minus 2 to the power x, v होता है l1 t minus 1 to the power y, और t तो क्या t होता है t to the power z। अब ये m1 हो गया l0 हो गया t0 हो गया। अब इधर n इकट्ठा करें तो x आ रहा है, m का कहीं और कोई टर्म नहीं है, n इकट्ठा करें तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ प्लस y आ जाएगा। ये l टू दी पावर x होगा इनटू ये l टू दी पावर y होगा। तो मैंने l सारे इकट्ठे कर लिए, l और कहीं नहीं आ रहा, वही जगह आ रहा है, t जरूर तीनों में आ रहा है। t यहां से माइनस टू एक्स है, यहां से माइनस y है और यहां से ये z, ये है सर। इससे मेरे तीन इक्वेशंस बन रही है, x is equal to 1, x plus y is equal to 0 and minus 2x minus y plus z is equal to 0। इन तीन इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा और फिर अपना आंसर ऑब्टेन करूंगा। यहां पर मैं चाहता हूं आप समझ गए ना कि मैंने पहले तो ये इक्वेशन लिखी कि अननोन मास है ना, तो लेट मास इज इक्वल टू f टू द पावर x v टू द पावर y t टू द पावर z। फिर f को फैला लिया mlt के टर्म्स में, v को फैला लिया mlt के टर्म्स में और t को फैला लिया mlt के टर्म्स में। फिर सारे n RHS में ही काम कर रहे हैं, LHS तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, RHS को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सारे M के टर्म्स एक साथ इकट्ठे कर लिए, सारे L के टर्म्स एक साथ इकट्ठे कर लिए और सारे T के टर्म्स एक साथ इकट्ठे कर लिए। फिर इधर M का पावर और इधर M का पावर इक्वेट कर दिया, इधर L का पावर और इधर L का पावर इक्वेट कर दिया और इधर T का पावर और इधर T का पावर इक्वेट कर दिया। अब मेरे पास तीन इक्वेशंस बन चुकी हैं और मुझे इनको सॉल्व करना है। तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना टफ काम तो है, हालांकि आपको सीखना चाहिए और मैं आपको सिस्टमैटिक मेथड सिखाऊंगा भी, पर पहले जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुन ले, बहुत ध्यान से। असली चीज यही सीखने लायक है कि ऑप्शंस अगर आपके पास हो तो आप उनका कैसे उपयोग करते हैं। देखो x तो क्लियर कट वन आ गया, तो x वन जिसमें है वो देखता हूं, बस यही आंसर हो सकता है। फिर इसको भी देखता हूं, यहां भी x वन है, यहां भी x वन है, यहाँ भी x1 है, फायदा ही नहीं हुआ।
एक्स वन से अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई या पेपर वाले ने सेटर ने बड़े ध्यान से पेपर बनाया है तो हो सकता है कि वो एफ का पावर वन वाला एक ही ऑप्शन दे। यहां तो खैर उसने हमारी स्मार्टनेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, चारों पे एफ का पावर वन दे दिया, कोई बात नहीं। एक्स प्लस वाई, अब ये सबसे सिंपल इक्वेशन थी, ये सबसे टफ इक्वेशन है, हम पहले इसका जो फायदा उठाना चाहते थे हमने उठाया, अगर हो सकता दो ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट हो जाते। अब x प्लस वाई किस इक्वेशन में जीरो आ रहा है वो देखते हैं, तो यहां देखते हैं x प्लस वाई टू आ रहा है इसलिए आंसर नहीं, x प्लस वाई जीरो आना चाहिए, यहाँ x प्लस वाई भी टू आ रहा है इसलिए ये भी आंसर नहीं है। पेपर में तो इनको इतना बड़ा बड़ा कार्ड देना, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर तुम्हारे पास ये पेन एंड पेपर का मोड में पेपर दे रहे हो तो इनको कार्ड देना कि भाई ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, जब तुम इस पर तलवार चलाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देखो x प्लस वाई जीरो, हाँ इसमें x प्लस वाई जीरो आ रहा है और इसमें भी जीरो आ रहा है, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, ये दो तो पक्का नहीं हो सकते, फिर से चेक कर लेता हूँ x प्लस वाई यहाँ टू आ रहा है, यहाँ भी x प्लस वाई टू आ रहा है, ये x है और ये y है, ये दो पक्का ऑप्शन नहीं हो सकते, पर यहाँ पे भी x प्लस वाई जीरो आ रहा है और यहाँ पे भी x प्लस वाई जीरो आ रहा है, ये दो हो सकते हैं। सामान्यतः इतना करने से आपको आपका आंसर मिल जाता है, दो इक्वेशन कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं ऐसा लिख दीजिए, शॉर्टकट लिख दीजिए, शॉर्टकट लिखिए कि एलिमिनेट द ऑप्शंस विच डू नॉट सेटिस्फाई ये हमारी इक्वेशन वन थी, ये टू थ्री फोर, eliminate the options which do not satisfy equations 2, 3 and 4 one by one. जो 2, 3 और 4 को options जो satisfy नहीं कर रहे, उन options को एक एक करके eliminate कर दीजिए. Eliminate the options which do not satisfy the equations 2, 3 and 4. Eliminate them one by one. एक एक करके उनको eliminate कर दीजिए. x is equal to 1, सब सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिख दीजिए x is equal to 1 is being satisfied by all the options, x is equal to 1 is being satisfied by all the options because the power of f in all the options is 1, the power of f in all the options is 1, x तो 1 हो गया, मतलब x के 1 हमको पता लगने से कोई फायदा नहीं हो पाया, पर फिर लिख दीजिए इन ऑप्शन 1 एंड 2, इन ऑप्शन 1 एंड 2 x plus y is equal to 2, ऑप्शन 1 और 2 में x plus y को 2 होना चाहिए था, मतलब x plus y 2 आ रहा है, ये भी 1 plus 1 2 है और ये भी 1 plus 1 2 है, while it should have been 0, it should have been 0, so option 1 and 2 are not possible, option 1 and 2 are not possible, aur phir likh dijiye in option 3 and 4 x plus y is equal to 0, option 3 and 4 x plus y is equal to 0, theek hai, तो पक्का है कि लिख दीजिए दो, आंसर मस्ट बी आइदर 3 और 4, आंसर या तो ऑप्शन 3 होना चाहिए या ऑप्शन 4 होना चाहिए, ये है। अब 3 है कि 4 है चेक करने के लिए फाइनली अनविलिंगली इस ऑप्शन नंबर इक्वेशन नंबर 4 पे जाना ही पड़ेगा, लिख दीजिए नाउ वी शुड चेक दैट इक्वेशन 4 इज सेटिस्फाइड बाय विच ऑफ द ऑप्शंस, equation 4, equation 4 is satisfied by either third or fourth option, अब हम equation 4 को check कर रहे हैं, लिख दीजिए option 3 क्या हो जाएगा, minus 2
और x की वैल्यू है 1 माइनस y और y की वैल्यू है माइनस 1 प्लस z और z की वैल्यू भी है माइनस 1 तो ये कितना आ रहा है देखते हैं ये है माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 ये माइनस 2 आ इसको 0 आना चाहिए था माइनस 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0 इसको 0 आना चाहिए था ये 0 नहीं आ रहा है ये माइनस 2 आ रहा है इसका मतलब ऑप्शन 3 भी आंसर नहीं ऑप्शन 3 भी आंसर नहीं ऑप्शन 4 शायद इसका मतलब डेफिनेटली आंसर है अब हम इसे चेक करने की जरूरत नहीं अगर टाइम है या मन नहीं मान रहा है तो ऑप्शन 4 हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन 4 हम चेक कर लेते हैं अदरवाइज आई एम श्योर कि ऑप्शन 4 ही बचता है 1 और 2 पहले ही एलिमिनेट हो गए थे और थर्ड ऑप्शन इक्वेशन 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा अब ऑप्शन 4 देखते हैं ऑप्शन 4 देखते हैं पता नहीं वो माइनस 2x आया था माइनस 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0 हां ये है ठीक है ओके सो ऑप्शन 4 में डालते हैं इसमें यहां x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है माइनस 1 और z की वैल्यू है 1 ये हो गया माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 हाँ ये 0 आ गया सेटिस्फाई हो गया ऑप्शन 4 सॉरी हाँ ऑप्शन 4 हमारी इक्वेशन 4 को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ये काफी सफिशिएंटली लेंथी है सफिशिएंटली लेंथी है इसके एक क्वेश्चन को करने में आप शुरू से मान लेना कि आपको 20 मिनट्स लगेंगे घर पे जब आप अभी कर रहे हो तो उसमें इरिटेट मत होना फायदा तो आपको मिलेगा करने का एडवांटेज तो है ना वैसे आई थिंक आई एम श्योर कि ये पेपर में या तो नहीं आएगा या आएगा तो इसकी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन होगी फिर भी यह सीखने को बहुत कुछ है कि ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं यह आप सीख रहे हैं तो बहुत ही पावरफुल चीज है तो बहुत ही पावरफुल चीज मैं आप तुम्हें एक चीज और सिखाता हूं आंसर तो 4 आ गया एक आध सवाल बाद में और कर देंगे ऐसा अब मैं तुम्हें एक चीज और सिखा रहा हूं हेडिंग दे दो पहले कि सिस्टमैटिक मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस सिस्टमैटिक मेथड ऑफ सॉल्विंग थ्री साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इसको सॉल्व करने का सिस्टमैटिक मेथड अभी तो हमने क्या किया ऑप्शन पे चले गए ऑप्शन एलिमिनेशन पे चले गए वरना हमारे को इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स की और वाई की और जेड की वैल्यू निकालनी थी मेरे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड तो ध्यान से सुनो फिर मैं लिखवाऊंगा कि तुमको पहले सेम 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशंस बनाने चाहिए मतलब जैसे वन और फर्स्ट और सेकंड से यहाँ तो खैर सवाल ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर सॉल्व करने पे आएंगे जहां तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी पर मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि तुम एक्स वाई जेड में मानो एक्स वाई जेड पहली इक्वेशन में भी है एक्स वाई जेड दूसरी इक्वेशन में भी एक्स वाई जेड तीसरी इक्वेशन में भी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स ये वाली मैथमेटिक्स ज्यादा टफ है वैसे और बहुत ज्यादा आवश्यक होती भी नहीं है नीट के पेपर में तो जेई में फिर भी लग सकती है जेई मेन में थोड़ी बहुत फिर भी अगर सीख लें तो अच्छा पावरफुल रहेगा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो तो पहली 2 इक्वेशंस में से जैसे z एलिमिनेट करना और x और y में एक इक्वेशन ऑब्टेन करना और इसी तरह से मतलब सेकंड और थर्ड में से जो तुम्हारी 3 इक्वेशन है ना 1 2 और 3 तो 1 और 2 में से z एलिमिनेट करना x और y में एक इक्वेशन मिल जाएगी फिर 2 और 3 में से भी z एलिमिनेट करना फिर से x और y में एक इक्वेशन मिल जाएगी अब सेम 2 वेरिएबल्स x और y में तुम्हारे पास 2 इक्वेशन होंगी अब उनमें से y एलिमिनेट कर तो फिर x मिल जाएगा ऐसा लिख दो ऑब्टेन टू इक्वेशंस इन सेम 2 वेरिएबल्स
इन सेम टू वेरिएबल्स, बस इतना काफी है। मतलब हम एक्सपेंड कर देते हैं, हमारा क्या मतलब है, मतलब इस स्टेटमेंट पे तुम 3 स्टार दे लो, इस स्टेटमेंट पे 3 स्टार, इसके बाद लिख दो कि इफ वी हैव 3 रिलेशंस इन एक्स वाई जेड, इफ वी हैव 3 इक्वेशंस इन एक्स वाई जेड, देन एलिमिनेट जेड फ्रॉम 1 एंड 2, then eliminate z from 1 and 2 and also eliminate z from 2 and 3. z ko puri tarah se eliminate kar do, z ko puri tarah se eliminate kar do, pehle 1 aur 2 mein se eliminate kar do, phir 2 aur 3 mein se eliminate kar do, pehle 1 aur 2 mein se eliminate kar do, phir 2 aur 3 mein se eliminate kar do. Up now we have, likh dijiye, now we have 2 equations in x and y. dekho now we have 2 equations in x and y. अब हमारे पास x और y में 2 इक्वेशंस हैं। फिर आगे लिख दो, नाउ एलिमिनेट y फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस, नाउ एलिमिनेट y फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. इन इक्वेशंस में से y एलिमिनेट कर दें और आपको इससे x मिल जाएगा, बस पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन द प्रीवियस इक्वेशन, put this value of x in one of the previous equation. To obtain y, आपके पास x और y में जो भी equation थी ना, उसमें इस x को put कर देना तो y मिल जाएगा. And now put the value of x and y in any of the first 3 equations. Put the values of x and y in the given equations, one of the given equation to obtain the value of z. ये कठिन जरूर है और शायद इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट स्टिल इसको करने से काफी डेवलपमेंट होगा आपके अंदर. तो जितनी आपने ताकत है आपको इसको क्वेश्चंस करने चाहिए. फिलहाल तो ये इक्वेशन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो रही है, इसलिए मैं अभी तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ. x की वैल्यू तो 1 आई गई है, x प्लस वाई 0 है और x 1 है, इसका मतलब y माइनस x है और y माइनस 1. अब माइनस 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0, जब हमारी थर्ड इक्वेशन t को यहाँ और t को यहाँ इक्वेट किया, अब इसमें मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ माइनस 2 इंटू 1, फिर y की वैल्यू डाल रहा हूँ माइनस माइनस 1 और z की इक्वेशन डाल रहा हूँ, तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू प्लस 1 आ गई, तो x 1 आ गई, y माइनस 1 आ गई और z की वैल्यू प्लस 1 आ गई. तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे तो x 1 और y माइनस 1 तो है दोनों में, खाली z में एक और बड़ी अच्छी चीज देखी जा सकती थी, t का पावर यहाँ z प्लस माइनस 1 है और t का पावर यहाँ 1 है, ये आंसर इसका मतलब नहीं है और ये आंसर है, इसमें x y और z मैच कर रहे हैं. तो एक तरीका तो क्या हुआ कि हमने x y z पूरे निकाल के फाइनल आंसर मैच कर दिया, अलग से x निकाला, अलग से y निकाला, अलग से z निकाला, 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके और फिर उन ऑप्शनों से मैच कर दिया कि किस ऑप्शन में x y z की यही वैल्यूज है. एक मेथड था खाली ऑप्शन एलिमिनेशन का कि एक ही इक्वेशन बनाई और देखा कि कौन कौन सी इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रही है, अगर ऐसी 2 इक्वेशन बच गई तो फिर सेकेंड इक्वेशन चेक किया, सेकेंड इक्वेशन भी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो थर्ड इक्वेशन को देखा कौन सेटिस्फाई कर रहा है. ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए. ये पूरा एग्जैक्ट मेथड से एक्स वाई जेड को निकालना, ये स्कूल एग्जाम के लिए आपको ये मेथड दिखाना पड़ेगा. स्कूल में तो ये क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं स्कूल में, स्कूल एग्जाम में आपको ये मेथड दिखाना पड़ेगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाला. पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ आपको स्टेप्स नहीं दिखाने हैं वहाँ आपको डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन करना चाहिए. एक ही इक्वेशन बनाने के बाद देख लीजिए कि x is equal to 1 किस किस इक्वेशन में आ रहा है, हो सकता है आपको एक ही इक्वेशन काम कर जाए. अच्छा एक चीज जरूर ध्यान से सुन लीजिए लास्ट, अभी इसका हालांकि हम फायदा तो नहीं उठा पाएंगे, पर एक चीज देखिए कि ऑप्शन जैसे आपने डिसाइड किया कि 1 और 2 आंसर नहीं है, थर्ड और फोर्थ आंसर है, तो आप देखो थर्ड और फोर्थ डिफर कर रहे हैं, थर्ड में ये भी सेम है
और ये भी सेम है, थर्ड और फोर्थ, ये डिफर कर रहा है। तो किसी तरह से अगर टी पे आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए डायरेक्टली, तो आपका टी का आंसर टी से डायरेक्ट पता पड़ जाएगा कि दोनों में से कौन सा आंसर है। यहाँ तो शायद आप उसका कोई स्टेप स्किप नहीं कर सकते इस बात के लिए, पर एक पांच स्टार लगा के एक बात लिख दीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात ये लिख दीजिए, हेयर ऑप्शंस, हेयर वी नो दैट ओनली आइदर थ्री और फोर इज पॉसिबल, ऑप्शन थ्री और फोर इज पॉसिबल, वन और टू तो पॉसिबल नहीं है, ये हम देख चुके हैं, थ्री और फोर इज पॉसिबल। नाउ वी शुड सी दैट ऑप्शन थ्री एंड फोर डिफर इन विच पैरामीटर, विच पावर। ऑप्शन थ्री और फोर में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का एफ भी सेम है, इन दोनों का वी भी सेम है, लिख दीजिए, ओनली दे डिफर ओनली इन द पावर ऑफ टी, इन दोनों में टी के पावर का डिफरेंस है, एंड देयरफॉर इनमें टी के पावर का डिफरेंस है, और इसलिए इफ पॉसिबल we should concentrate, we should concentrate only on the power of t। अगर t का power हम ढंग से कहीं निकाल पाए तो हमें f और v के power check ही नहीं करने पड़ेंगे, f का वन है कि टू है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो है दोनों में सेम है। आप ऑप्शन जब ढूंढते हैं ना, तो जो ऑप्शंस में डिफरेंस हो, जहां उस डिफरेंस को कैलकुलेट किया करो, जो दो ऑप्शंस में सेम है उस वैल्यू को कैलकुलेट मत किया करो। यहाँ तो खैर बिना एक्स और वाई के आप जेड पे जा ही नहीं सकते, यहाँ तो आप बिना एक्स और वाई के जेड पे जा ही नहीं सकते, वरना अगर पॉसिबल होता तो मैं सीधे किसी तरह जेड के पावर को निकालने की कोशिश करता, क्योंकि द ऑप्शंस डिफर ओनली इन द पावर ऑफ जेड। जैसे हाँ बोलिए सर, जैसे f की पावर सब में वन दी हुई है तो उसकी वैल्यू को अपन पहले ले सकते हैं ना। हाँ, अगर चारों में f की वैल्यू वन दी है तो आप बिल्कुल पहले से ही खुद ही x की वैल्यू वन ले ही सकते हैं, क्योंकि वो कुछ और हो ही नहीं सकता। यही सारी बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव पावर, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू अगर चारों में ही वन है, एफ का पावर, इसका मतलब जरूर वो एक्स की वैल्यू वन ही आ रही होगी। एनी ऑब्जर्वेशंस पर बेस वो कुछ सिंपल क्वेश्चन बना के देते हैं, जो ऐसी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो पूरा कन्वेंशनली सॉल्व करेंगे, पूरी इक्वेशन थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशन और एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे, और कुछ लोग कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन का फायदा उठा लेंगे। तो अगर उठा सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं उठा सकते हैं तो चिंता नहीं है, कन्वेंशनल मेथड में स्पीड बढ़ाइए, बी ओपन, धीरे धीरे आप ये चीजें ऑब्जर्व करने लगेंगे। ये बात बिल्कुल सही है और शानदार है कि अगर f का पावर चारों में ही वन है तो फिर तो मुझे f का पावर निकालने की जरूरत ही नहीं। v का पावर जरूर यहाँ वन था, यहाँ वन था, यहाँ माइनस वन था, यहाँ माइनस वन था, तो ठीक है, v का पावर हमें निकालना पड़ेगा। और v का पावर अगर डिसाइड हो जाता है कि वन नहीं हो सकता तो फिर ये ऑप्शन बचे। अब इन ऑप्शनों में क्या डिफरेंस है वो देखिए, मेन बात यह है कि आपको डिफरेंस देखना, जो सिमिलैरिटी है वो नहीं देखना है, और जो चारों में सिमिलर है वो वैल्यू तो आपको निकालनी नहीं चाहिए। ये बात भी लिख दीजिए फिर से पांच स्टार लगा के, इफ अ गिवन पावर या इफ अ गिवन वैल्यू इज सेम इन ऑल द फोर ऑप्शंस, गिवन वैल्यू इज सेम इन ऑल द फोर ऑप्शंस, देन नो नीड टू कैलकुलेट इट। फिर उसके बारे में आप कैलकुलेशंस में अपना वक्त जाया ना करें। यहां तो चांस की बात है कि एफ बी टी में उन्होंने और एम में रिलेशन मांग लिया, और उसे आप अल्टरनेट मेथड से भी निकाल सकते थे। आप बोलते हैं फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिख देते वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो आपके पास मास अननोन है, उसे LHS पे ले आइए, आपका आंसर बहुत ज्यादा आसानी से आ जाता है।
पर वो पूरा मेथड जो हमने अभी पढ़ा वो सीखना हमारे लिए जरूरी। डायमेंशंस के मेथड से नए रिलेशंस डिराइव किए जा सकते हैं। बस ये फिर से बस वही लिख लें फिर से, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मैथड, दिस यूज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। This method must be practiced a lot. इसकी खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, हालांकि ये लेंदी है और आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम तो सीधे एक क्वेश्चन एडिशनल आपको ये दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख दीजिए, चलिए क्वेश्चन लिख दीजिए, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन mass, velocity of light, and time. Mass, velocity of light, and time. देखिए, energy of a particle probably depends. बस फिर से पूरा sentence repeat कर देंगे आप please. Energy of a particle probably depends on mass, velocity of light, and time. And the proportionality constant is 1. Find the formula of energy by the method of dimensions. हम बोलते हैं that energy proportional to mass to the power x. Velocity of light को c से लिखते हैं, c to the power y and t to the power z. तो e is equal to k m to the power x, c to the power y, t to the power z. और k की वैल्यू उसने 1 दी है, तो e is equal to m to the power x, c to the power y, t to the power z. ये इक्वेशन 1 है। अब मैं एनर्जी के डायमेंशंस ये लिख लेता हूँ, m तो ये हो गया, velocity l1 माइनस वन है और तीसरा तो टी ही है, ये इनको स्प्रेड कर लेता हूं, एल का पावर यहाँ एक जगह आएगा वाई, टी का पावर दो जगह आ रहा है, माइनस वाई भी आ रहा है और इनको टी टू दी पावर जेड भी आ रहा है, एम वन एल टू टी माइनस टू एम एक्स एल वाई एम टी टू दी पावर माइनस वाई प्लस जेड। ये मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, डायमेंशंस लिखे, फिर इसके डायमेंशंस लिखे, इसके पावर को ओपन किया, जो है एल टू द पावर वाई, टी टू द पावर माइनस वाई, फिर टी के सारे पावर्स एक साथ क्लब कर दिए। अब इधर एक्स का पावर और इधर एक्स का पावर इक्वेट करूंगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1 और वाई की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 2 और अब माइनस वाई प्लस जेड, माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 है और y की वैल्यू 2 है, तो माइनस 2 प्लस z इज इक्वल टू माइनस 2, इसका मतलब z इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन को सॉल्व किया, x का पावर यहाँ आ गया सीधे सीधे 1, y की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 2 और t की ये पावर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, माइनस y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ m का पावर यहाँ के m के पावर से इक्वेट किया, यहाँ एल का पावर यहाँ के एल के पावर से इक्वेट किया और यहाँ टी का पावर यहाँ के टी के पावर से इक्वेट किया, एक्स और वाई तो इजीली आ गए। अब यहाँ मैंने पुट की, वाई की वैल्यू मुझे 2 मिल चुकी थी, तो माइनस 2 प्लस जेड इज माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, जेड की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ई का फॉर्मूला हो गया एम टू द पावर एक्स 1 और
y की वैल्यू है t c स्क्वायर और टाइम पे ये डिपेंड ही नहीं करता। एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एम सी स्क्वायर, ये सीधे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला फॉर्मूला आपने यहीं बैठ के डिराइव कर दिया डायमेंशंस के चैप्टर में। इससे पावरफुल और क्या होगा, आइंस्टीन की तो जिंदगी निकल गई बेचारे की इस फॉर्मूले को डिराइव करने में। टाइम पे हमें लग रहा था शायद टाइम पे डिपेंड करता होगा, तो टाइम का पावर अपने आप ही जीरो आ गया, ये टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं है। टाइम का पावर अपने आप ही जीरो आ गया, ये टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं है। एनर्जी का फॉर्मूला एम सी स्क्वायर आ गया, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप शायद ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते तो जान जाइए। ई का फॉर्मूला एम सी स्क्वायर कभी ना कभी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ई का फॉर्मूला एम सी स्क्वायर है और काइनेटिक एनर्जी भी इसी से मैच करता है, वो हाफ एम बी स्क्वायर, बस ये हाफ वहां पे एक्स्ट्रा और लग जाता है, बाकी तो एम सी स्क्वायर ही है। काइनेटिक एनर्जी भी एम सी स्क्वायर ही है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये कोई सा मास होगा और कोई सी वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, कोई सा मास होगा और कोई सी वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। अगर ये आइंस्टीन थ्योरी है तो इसमें हाफ नहीं आता, पर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आती है और साथ में हाफ भी आता है। इनमें खैर क्या फर्क है फिलहाल हम उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। डायमेंशंस के मेथड से हमने एक फॉर्मूला ई सोल एम सी स्क्वायर डिराइव कर लिया। हमें आइंस्टीन बनने में देर नहीं लगी, अगर मास वेलोसिटी और एनर्जी का रिलेशन चाहिए, अगर मास वेलोसिटी और एनर्जी का रिलेशन चाहिए तो एनर्जी विल बी सम कॉन्स्टेंट into mv square. Any kind of energy related to mass and velocity will have this kind of formula. कभी कभी ये kinetic energy टू थर्ड ऑफ mv square पाएंगे, कुछ chapters में बाद में पढ़ेंगे, पर dimensionally kinetic energy के formula में m और v square तो आएगा। Constant change हो सकता है, कोई constant change हो सकता है dimensionally उसके formula में m और v स्क्वायर तो आए। एक हेडिंग दे दीजिए लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ द अबव मेथड, limitations of the above method. Number one, only those formula can be derived where the dependency is of product type. Only those formulae can be derived where the dependencies of product type. For example, s is equal to ut plus half a t square. Cannot be derived by the above method. Dependency अगर product type की होती तो मैं फिर भी कुछ कर सकता था, पर प्लस या माइनस साइन में कहां से लाऊं, क्योंकि अगर तुम मुझे कहते कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है तो मैं तो ऐसी इक्वेशन बना के सॉल्व कर देता ना कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, तो मैं ऐसी इक्वेशन बनाता तो ये मैं कहां से डिराइव कर पाता। तो जिन भी रिजल्ट्स में रिलेशन कुछ प्रोडक्ट टाइप का नहीं है हम उन रिलेशंस को डिराइव नहीं कर सकते। ये बात खैर आपसे पेपर में कोई कभी पूछेगा नहीं, पर हमने अपने डेफिनेशन में कहा था कि डिपेंडेंसी प्रोडक्ट टाइप की होनी चाहिए, तो फिर आपको डाउट आएगा कि यार ये प्रोडक्ट टाइप से मतलब क्या है और क्यों होनी चाहिए। नंबर टू दोज रिजल्ट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड, दोज फॉर्मूले कैन नॉट बी डिराइव्ड
those formulae cannot be derived. Where a given physical quantity, where a given physical quantity depends on more than three physical quantities. Given physical quantity depends on more than three physical quantities. Sir, can you please repeat this line? Those relations cannot be derived where a given physical quantity depends on more than three physical quantities. मान लीजिए ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो इन पे डिपेंड करती है. अगर आपको मैं कहूँ कि कैपिटल ए कोई एरिया है सपोज और वो स्मॉल ए और बी पे और सी पे और डी पे डिपेंड करता है तो आप तो ऐसी इक्वेशन बनाओगे ना. फिर आप क्या करोगे, इसको एक्सपैंड करोगे और इन चारों को एक्सपैंड करोगे एम एल टी के टर्म्स में. फाइनली आप m का पावर यहाँ और m का पावर यहाँ इक्वेट करोगे, l का पावर यहाँ और l का पावर यहाँ इक्वेट करोगे और t का पावर यहाँ और t का पावर यहाँ इक्वेट करोगे. तो यू विल हैव थ्री इक्वेशंस. लिख दीजिए फाइनली वी विल हैव थ्री इक्वेशंस. फाइनली वी विल हैव थ्री इक्वेशंस एंड फोर अननोन्स. फाइनली हमारे पास तीन इक्वेशन होगी और चार अननोन होंगे. इक्वेशन तो बनेंगी तीन. कैसे बनेंगी? दोनों तरफ m का पावर इक्वेट करोगे एक इक्वेशन, दोनों तरफ l का पावर इक्वेट करोगे एक इक्वेशन और दोनों तरफ t का पावर इक्वेट करोगे एक और इक्वेशन. टोटल तीन इक्वेशन बनेगी. टोटल तीन इक्वेशन बनेगी और अननोन है चार. बहुत नाइंसाफी, ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे. सॉल्व हो पाने के लिए जितने अननोन्स हैं कम से कम उतनी इक्वेशन होनी चाहिए. इक्वेशन ज्यादा हो तो चलेगा पर इक्वेशन कम हो तो नहीं चलेगा. इक्वेशन फोर नहीं, अननोन्स फोर एंड इक्वेशन थ्री नॉट पॉसिबल. Unknown 4, equation 3, not solvable. ये solve नहीं हो पाएगा. इसलिए एक quantity अगर तीन से ज्यादा चीजों पर depend करती है तो वो formula भी हम derive नहीं करते हैं. तो और भी बातें पर ज्यादा important नहीं है, लिख लेते हैं. चलिए और एक बात लिख दीजिए कि those relations cannot be derived, which have, those equations cannot be derived which have sign, मतलब which have trigonometrical, exponential or log terms in the formula. Those relations cannot be derived which have trigonometrical, exponential or log terms in the formula. Exponential or log अभी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है. पर वो रिलेशन भी हम डिराइव नहीं कर सकते. जैसा हमने एक एक्सरसाइज का देखा था y = sin 2 pi small t / t ऐसा कुछ. मान लो मुझे कहता है कि भाई a पे डिपेंड करता है, small t पे डिपेंड करता है, capital t पे डिपेंड करता है, तो मैं ये sin का टर्म कहां से लाऊंगा? क्योंकि मैं तो ऐसा ऐसा कुछ लिख दूंगा कि let y = a to the power x small t to the power y capital t to the power z, ऐसा मैं कुछ लिख दूंगा. पर मैं ये sin का टर्म कहां से लाऊं? तो ये रिलेशन भी डिराइव नहीं किए जा सकते. हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जाके इस समय आपको बता रहा हूँ, ये एक शायद एनसीईआरटी के बाहर की चीज है, आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा हूँ. मैं लॉग सीरीज की बात कर रहा हूँ आपसे, लॉग टर्म की बात कर रहा हूँ. लॉग मतलब अगले चैप्टर में तो आ ही जाएगा, वैसे ये फिलहाल आउट ऑफ एनसीईआरटी है. तो सपोज लॉग ऑफ एक्स टू द बेस कुछ है ऐसा, ये ऐसा है, इसको कुछ लॉग कहते हैं, लॉग का टर्म है और पढ़ेंगे. तो इसमें आपको बस ये बताना चाहिए कि एक्स इज अ प्योर नंबर. एक्स इज अ प्योर नंबर. बस सपोज वो कहता है कि लॉग ऑफ एम और डी बाय डी डैश ऐसा,
या वी बाय प्लस वी बाय मे बी एक्स या वी इज वेलोसिटी तो व्हाट इज एक्स ये क्वेश्चन लिख दीजिए. ये किसी चीज का फॉर्मूला इस एक्सप्रेशन में वी इज वेलोसिटी इस एक्सप्रेशन में वी इज वेलोसिटी व्हाट इज एक्स. तो आप ये कहोगे कि वी बाय एक्स इज अ प्योर नंबर यानी वी बाय एक्स इज डायमेंशनलेस. v by x is dimensionless, तो इसलिए x के dimension भी v के समान है. v velocity है, x unknown है. Dimensions के chapter में इस इन बातों की फिलहाल जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको out of NCERT लिखवा दिया. अगले chapter में तो हालांकि ये सब बात हम सीखेंगे कि log का जो भी argument होगा वो एक pure number होगा. तो v by x एक dimensionless quantity होगी. V by x एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी. इसी तरह एक्सपोनेंशियल भी धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस होगा. अभी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में तो नहीं है. मान लीजिए y इज इक्वल टू कुछ y नॉट e टू द पावर माइनस t बाय t ऐसा कुछ है. ये इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं. ये जो टर्म है ना e टू द पावर वाला e is for exponential series. e is for exponential series. और जो e होता है ना एक्चुअली log की एंटी होता है. उस बारे में भी चलिए कोई बात नहीं करते. बस यही आपसे कहते हैं कि power of e is always a pure number. ये लिख दीजिए. power of e is always a pure number. Suppose एक question कहता है कि y is equal to y naught e to the power minus 3t. Suppose y is equal to y naught e to the power minus 3t, where t is time, find the dimensions of p. बस तो p को t पूरा का पूरा dimensionless है. e का जो power होता है वो एक pure number होता है. का जो पावर होता है वो प्योर नंबर होता है. p into t पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है. तो p के पावर 1 अपॉन टाइम के हुए. p into t is m0 l0 t0. So p is m0 l0 t0 upon t. So dimension of p is m0 l0 t minus 1. That's the answer. आ गया. जो एक्सपोनेंशियल का आर्ग्यूमेंट है, एक्सपोनेंशियल का जो पावर है वो प्योर नंबर है, और जो लॉग टर्म का आर्ग्यूमेंट है वो प्योर नंबर है. प्योर नंबर यानी डायमेंशनलेस. तो इन बातों पे भी एक्चुअली आपको पीवाईक्यू में क्वेश्चंस मिलेंगे. सॉरी, पीवाईक्यू में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है. गाइड्स में क्वेश्चंस है, इन बातों पर. पर पीवाईक्यू में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं. बस अगर आपको कहीं गाइड्स में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो कायदे से तो आपको छोड़ दें. पीवाईक्यू में नहीं है वो इस बात का गवाह है कि आएगा भी नहीं, वरना तो मैटर एंडलेस हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा. अगर इस टाइम की सारी बातें हम छोटी छोटी एड ऑन करके आपको बताने लगे हैं तो सिलेबस कभी खत्म नहीं हो पाएगा. बस इतना ही ध्यान दीजिए. That's all for now.